हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट एनी डाउट। आई एम खुशहाली हियर। आज के वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी भी 3 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज हमें 122 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें दोनों के जो लास्ट डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 वन्सा हो जाएगा हमारा 2। ओके, अब हमें यहाँ पे दो प्लेसेस खाली छोड़ना है। दो प्लेसेस खाली छोड़ने के बाद हमें अब दोनों की जो फर्स्ट डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। सो 1 2 हो जाएगा हमारा 2। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको इग्नोर करना है और उसके बाद में नजदीक नजदीक के डिजिट का गुणा करना है और दूर दूर के डिजिट का। सो 2 2 हो जाएगा हमारा 4 एंड 2 1 हो जाएगा 2। सो 4 + 2 हमारा बन गया 6। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट डिजिट को इग्नोर किया था ऐसे ही अब हम लास्ट डिजिट को इग्नोर करेंगे। सो लास्ट डिजिट को इग्नोर करने के बाद फिर से नजदीक नजदीक का गुणा करना है और दूर दूर का गुणा करना है। सो 2 2 हो जाएगा हमारा 4 एंड 1 1 बन जाएगा 1। सो 4 + 1 हो जाएगा हमारा 5। सो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। सपोज हमें 154 को 65 से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लास्ट लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 5 हो जाएगा हमारा 20। सो मैं 0 यहाँ पे लिख दूंगी। दो प्लेसेस हमें खाली छोड़ना है। सो 2 हो जाएगा हमारा कैरी। ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। सो 1 6 बन जाएगा हमारा 6। सो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करके नजदीक नजदीक का गुणा करना है और दूर दूर का। सो 6 4 हो जाएगा हमारा 24 एंड 5 5 हो जाएगा 25। सो 24 + 25 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे 2 कैरी है। सो 49 + 2 51 होगा। सो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी। 5 जो हमारा रिमेनिंग है फिर से हम उसे कैरी कर देंगे। अब हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को इग्नोर करके फिर से नजदीक नजदीक का गुणा करना है और दूर दूर का। सो 5 6 हो जाएगा 30 एंड 5 1 हो जाएगा 5। 30 + 5 हो जाएगा 35। 5 हमारा कैरी है। सो 35 + 5 40 होगा। 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। 4 हो जाएगा हमारा कैरी। सो 6 + 4 हो जाएगा 10 और पीछे की डिजिट हम एज इट इज पुट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज 904 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किस तरह से करेंगे? सबसे पहले लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 हो जाएगा 36। मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगी। दो प्लेसेस हमें खाली छोड़ना है इसलिए 3 हो जाएगा हमारा कैरी। अब फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 1 हो जाएगा हमारा 9। ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करके नजदीक नजदीक का गुणा और दूर दूर का। सो 4 1 4 हो जाएगा। 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो 4 + 0 4 होगा। हमें यहाँ पे 4 लिखना है लेकिन 3 हमारा कैरी है। सो 4 + 3 बन जाएगा 7। ओके, अब हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट को इग्नोर करके नजदीक नजदीक का गुणा और दूर दूर का गुणा। सो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 9 9 हो जाएगा 81। सो टोटल बन जाएगा 81। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 8 हो जाएगा हमारा कैरी। सो 8 + 9 हो जाएगा 17। पीछे के डिजिट में एज इट इज पुट कर दूंगी। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही ईजी है लेकिन इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे बहुत से वीडियोस लेके आने वाली हूँ। सो अगर आप मेरे वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल ही फ्री में मिलती रहेगी। ओके, और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।